फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में कहा कि लिट वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि लिट वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं इसे चेंज करूं, कुछ रूल्स जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले देखें कि वो क्या रूल्स है जिसकी मदद से आप लिट वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। उसके बाद हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस रूल को देखें। कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस लेट से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्यों से प्रपोज या सजेस्ट का पता चलता है। तो इस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में ऐसे चेंज करें, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज या सजेस्ट में बदल दें। यदि ऑब्जेक्ट का यूज हो तो प्रपोज के बाद ऑब्जेक्ट या सजेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखें। याद रखें कि प्रपोज या सजेस्ट के बाद टू का प्रयोग नहीं करना है। इनवर्टेड कॉमा को दैट में बदल दें। लिट को गायब कर दें और इसके बाद आने वाले अस को वाक्य के अर्थ के अनुसार वी या दे में चेंज कर दें। अगर कोई दूसरा पर्सनल प्रोनाउन या नाउन रहे तो उसे नॉमिनेटिव केस में बदल दें। उसके बाद सूट के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, ये रही रूल्स। आइए अब इसे चेंज करके देखते हैं। यहाँ लिखा ही तो आप लिखें ही और आप सेट को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर दें। उसके बाद अगर यहाँ ऑब्जेक्ट हो तो आप ऑब्जेक्ट लिखें, चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट ना लिखें। इनवर्टेड कॉमा की जगह पर आप दैट का यूज करें। उसके बाद लेट को गायब कर दें और अस की जगह पर आप वी लिखें। कई बार अस के लिए वी और कई बार अस के लिए दे का यूज करते हैं। आगे के एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि अस के लिए कब वी और कब दे का यूज करनी है। इसके बाद शुड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लिखें, तो आप लिखेंगे शुड स्पीक इंग्लिश। और फ्रेंड्स, ये इनडायरेक्ट में चेंज हो चुकी है। ये कैसे चेंज हुआ, आइए एक एक करके बात को समझें। ही की जगह पर ही लिखा गया, लेकिन सेट की जगह पर प्रपोज लिखा गया। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। इनवर्टेड कॉमा की जगह पर आपने दैट लिखा। लेट को गायब कर दी जाती है इसलिए आपने छोड़ दिया। उसके बाद आने वाले अस को हम वी या दे में चेंज कर लेते हैं, तो आपने यहाँ लिखा वी। अस के लिए कब दे लिखना है आगे के एग्जाम्पल में मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब सब्जेक्ट के बाद आपको सूट के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो आपने लिखा सूट। उसके बाद आपने स्पीक लिखा, यानी यहाँ स्पीक लिखा हुआ है, आपने स्पीक लिखा। उसके बाद लिखा था इंग्लिश, तो आपने लिखा इंग्लिश। और इस तरीके से आपने इसे चेंज किया। तो फ्रेंड्स, अगर लिट वाले सेंटेंसेस को आप इंपेरेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो आप अगर दो चार बात याद रखें तो आप बड़े आसानी से चेंज कर पाएंगे। पहली बात, रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोज में बदल दें। दूसरी बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो जब आप उसे इनडायरेक्ट में चेंज करें तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू न लिखें, यानी सजेस्टेड टू या प्रपोज टू न लिखें, बल्कि आप सजेस्टेड प्लस ऑब्जेक्ट या प्रपोज प्लस ऑब्जेक्ट लिखें। तीसरी बात, इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट दें। चौथी बात, लेट को गायब कर दें। पांचवी बात, अस को वी या दे में चेंज कर दें। उसके बाद सूट के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखें। फ्रेंड्स, अगर इतना आप कर सकते हैं तो फिर आप लिट वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ सके। लिखा हुआ है ही सेड लेट अस डांस। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। फ्रेंड्स, ही सेड को आप ही प्रपोज्ड या ही सजेस्टेड में चेंज कर दें, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लेट वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेट को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। अब अगर यहाँ ऑब्जेक्ट हो तो आप ऑब्जेक्ट लिखें, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो फिर आप ऑब्जेक्ट न लिखें। इनवर्टेड कॉमा की जगह पर आप दैट का यूज करें। उसके बाद आइए अब देखें कि रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करनी है। लेट को गायब कर दें और उसके बाद अस को नॉमिनेटिव केस दे दें, यानी अस की जगह पर आप वी या दे लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे शुड, जैसा कि मैं पहले आपको रूल बता चुका हूं, और आगे लिखा है डांस, तो आप लिखेंगे डांस। और ये चेंज हो चुका है। क्या चेंजिंग हुई, ही की जगह पर आपने ही लिखा, लेकिन सेट की जगह पर आपने प्रपोज लिखा, पहला चेंजिंग। इनवर्टेड कॉमा की जगह पर आपने दैट दिया, दूसरा चेंजिंग। लेट को गायब कर दिया गया, ये तीसरा चेंजिंग। अस की जगह पर आपने वी लिखा, चौथा चेंजिंग। उसके बाद शुड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लिखा, ये था पांचवा चेंजिंग। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है सी सेड लेट अस सिंग अ सॉन्ग, वह कही चलो एक गाना गाएं। आइए फ्रेंड्स देखें कि इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। सी की जगह पे आप लिखे सी,
और सिट की जगह पर आप लिखिए प्रपोज्ड या सजेस्टेड, आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। उसके बाद यह ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट ना दें, अगर ऑब्जेक्ट हो तो आप ऑब्जेक्ट लिखें। यहाँ एक बात आप याद रखेंगे, बाय द वे अगर यहाँ ऑब्जेक्ट हो तो आप प्रपोज्ड प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी आप प्रपोज्ड प्लस ऑब्जेक्ट के बीच में टू का यूज ना करें। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर आप लिखेंगे दैट और लेट को छोड़ दें या लेट को गायब कर दें। अस के जगह पर लिखें वी, आप अस के जगह पर दे का भी यूज कर सकते हैं अगर इस काम में सब्जेक्ट खुद को इंक्लूड कर ले, यानी ये सब्जेक्ट अपने आप को शामिल कर ले, तब हम अस के लिए वी का यूज करते हैं। लेकिन अगर उस काम में सब्जेक्ट अपने आप को शामिल ना करे तो हम दे का यूज करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे शुड और फिर फर्स्ट फॉर्म सिंग अ सॉन्ग, और ये चेंज हो चुकी है। शी सेड लेट्स सिंग अ सॉन्ग, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा। शी प्रपोज्ड दैट वी आर दे शुड सिंग अ सॉन्ग। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं। ही सेड टू द स्टूडेंट्स लेट्स वर्क फॉर द कंट्री डे एंड नाइट। आइए फ्रेंड्स देखें कि इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। हम लिखेंगे ही सजेस्टेड द स्टूडेंट्स, हमने ही की जगह पर लिखा ही लेकिन सेट की जगह पर लिखा सजेस्टेड, टू को छोड़ दी जाती है और ऑब्जेक्ट लिखा द स्टूडेंट्स। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर मैं लिखूंगा दैट, फिर लेट को छोड़ दी जाती है और अस के जगह पर आप वी या दे लिखें। तो यहाँ पर हम दे लिखेंगे क्योंकि इस काम में सब्जेक्ट अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहा है। उसके बाद आप लिखेंगे शूट, फिर आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और यहाँ लिखा हुआ है वर्क फॉर द कंट्री डे एंड नाइट, और ये चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। कैसे हुआ, ही की जगह पर आपने ही लिखा लेकिन सेट की जगह पर सजेस्टेड, उसके बाद आप टू छोड़ दिए और ऑब्जेक्ट लिखे द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपने दैट लिखा, फिर लेट को छोड़ दिया क्योंकि लेट छोड़ दी जाती है, अस की जगह पर आपने लिखा दे, उसके बाद शुड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लिखा, फिर बाकी चीज को आपने कॉपी कर लिया और ये चेंज हो चुकी है। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं। आइए फ्रेंड्स यहाँ एक खास बात जानें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। फ्रेंड्स लिखा हुआ है द बॉय सेड लेट मी गो आउट। फ्रेंड्स जब लेट के बाद मी हिम हर देम इट ये सभी वर्ड्स लिखे हों तो इस तरह के डायरेक्ट स्पीच से किसी की आरजू या किसी की विश का पता चलता है, यानी किसी की चाहत या तमन्ना की पता चलता है। और इस तरह के डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम सेड के जगह पर विश्ड लिखेंगे। जैसे लिखा है द बॉय सेड, तो मैं लिखूंगा द बॉय विश्ड। आप याद रखेंगे इस तरह के डायरेक्ट स्पीच में सेड के लिए प्रपोज्ड या सजेस्टेड ना लिखें, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में कोई प्रपोज या सजेस्ट नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर कोई आदमी अपनी ख्वाहिश या अपनी विश बता रहा है। इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में चेंज कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप दैट लिखें, उसके बाद मी को हम नॉमिनेटिव केस दे देंगे तो मी बन जाएगा आई, और ये हुआ फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और ये बात मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में अच्छा से बताया कि पर्सन कैसे चेंज करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप वो पार्ट देख चुके हैं और आपको ये बात अच्छा से आती है। तो हम यहाँ लिखेंगे ही, यानी द बॉय का प्रोनाउन लिखेंगे ही। उसके बाद हम शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे शुड गो आउट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने क्या सीखा कि अगर लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन मी हिम हर देम इट हो तो इस तरह के डायरेक्ट स्पीच से किसी की ख्वाहिश या किसी की आरजू या तमन्ना का पता चलता है। इसलिए जब इस तरह के सेंटेंसेस को आप इनडायरेक्ट में चेंज करें तो सेट की जगह पर विश्ड का यूज करें, उसके बाद इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, और लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस दे दें यानी सब्जेक्टिव केस दे दें, और अगर वो फर्स्ट पर्सन हो तो आप उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अगर वहाँ सेकंड पर्सन हो तो आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये बात पहले बताई जा चुकी है जैसा कि आपने पार्ट वन में ये बात सीखा। उसके बाद शुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ लिखा गया शुड गो आउट और ये चेंज हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लेट वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस को बड़े आसानी से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस लेसन को सीखा तो फिर आप इन तीनों सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करें। आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके आंसर का इंतजार करता हूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।